नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है हजरत निजामुद्दीन से वास्को डी गामा के बीच चलने वाली गोवा एक्सप्रेस ट्रेन की। और दोस्तों, इस वीडियो की रिक्वेस्ट किए है शहजाद साजिद ने। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन नंबर 12780 गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, यह रोजाना हजरत निजामुद्दीन से वास्को डी गामा के बीच चलने वाली सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है जो रोजाना हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों से गुजरती हुई वास्को डी गामा पहुंचती है। दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से वास्को डी गामा की टोटल डिस्टेंस 2168 किलोमीटर को करीबन 55 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 39 घंटे और 45 मिनट में तय करती है और इस ट्रेन का 32 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन दक्षिण पश्चिमी रेलवे करता है। और दोस्तों, इस ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन से पुणे तक तुगलकाबाद लोको शेड का वेप 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है और पुणे से लोंडा तक पुणे लोको शेड का WDP-4D डीजल लोकोमोटिव और लोंडा से वास्को डी गामा तक कृष्णा राजपुरम लोको शेड का WDP-4, WDP-4B या WDP-4D डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। और अगर बात करें दोस्तों इस ट्रेन में कोचेज की तो इस ट्रेन में ICF 1 श्रेणी के कोच रहते हैं जिनमें सेकंड AC के दो कोच रहते हैं जिनका हजरत निजामुद्दीन से वास्को डी गामा तक का किराया 3,115 रुपये रहता है। थर्ड AC के चार कोच रहते हैं जिनका किराया 2,150 रुपये रहता है। स्लीपर के 11 कोच जिनका किराया 825 रुपये और साधारण श्रेणी के चार कोच जिनका किराया 441 रुपये रहता है। दोस्तों, यह किराया हजरत निजामुद्दीन से वास्को डी गामा तक का है लेकिन यह अपडेटेड किराया नहीं है, इसलिए अपडेटेड किराए की ज्यादा जानकारी के लिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। और दोस्तों, इस ट्रेन में रेलवे पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध कराता है, साथ ही ऑनबोर्ड कैटरिंग एवं ई कैटरिंग सुविधा भी इस ट्रेन में उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 12780 गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना दोपहर में 3 बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना होती है। और दोस्तों, यहां से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचती है मथुरा जंक्शन शाम में 4:38 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:40 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है आगरा कैंट शाम में 5:25 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 5:30 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों, ग्वालियर जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है शाम में 7:35 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 7:40 पे यहाँ से रवाना होती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है झांसी जंक्शन रात में 9:10 पे और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 9:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, भोपाल जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है रात में 1:20 पे और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 1:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन 2:55 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 3 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है हरदा 4:04 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:06 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है खंडवा जंक्शन 5:27 पे और करीबन 3 मिनट के बाद 5:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, समय 7:20 पे यह ट्रेन पहुंचती है भुसावल जंक्शन और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 7:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का स्टॉपेज रहता है जलगांव जंक्शन 7:48 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 7:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, मनमाड़ जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है 9:45 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 9:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है कोपरगांव 10:58 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 11 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है।
दोस्तों बेलापुर ये ट्रेन पहुंचती है 11:38 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 11:40 पे बेलापुर से रवाना हो जाती है। दोस्तों दोपहर में 12:47 पे यह ट्रेन पहुंचती है अहमदनगर और 3 मिनट ठहरने के बाद 12:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है दौंड जंक्शन 2:45 पे और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद 3 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों दौंड जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव रेक रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों शाम में 4:20 पे यह ट्रेन पहुंचती है पुणे जंक्शन और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद 4:35 पे ऐसे रवाना हो जाती है। और दोस्तों पुणे जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है इलेक्ट्रिक से डीजल, लोकोमोटिव रेक रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है सतारा 7:15 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद शाम में 7:20 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों कराड़ यह ट्रेन पहुंचती है रात में 8:17 पे और 3 मिनट ठहरने के बाद 8:20 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों रात में 9:27 पे यह ट्रेन पहुंचती है सांगली और 3 मिनट ठहरने के बाद 9:30 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है मिरज जंक्शन 10:20 पे यहाँ पहुंचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 10:25 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है कुड़ची 10:56 पे और 1 मिनट ठहरने के बाद 10:57 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है रायबाग 11:13 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 11:15 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है घट प्रभा 11:43 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 11:45 पे ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है बेलगावी 12:45 पे करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 12:50 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों रात में 2:05 पे यह ट्रेन पहुंचती है लोंडा जंक्शन और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 2:15 पे ऐसे रवाना हो जाती है। दोस्तों लोंडा जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव रेक रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है केसल रोड 3:05 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 3:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों केसल रोक रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन के बैंकर अटैच होते हैं। के बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है करजोल 3:34 पे और 1 मिनट ठहरने के बाद 3:35 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है दूध सागर 3:55 पे और 1 मिनट ठहरने के बाद 3:56 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है सोनालियम 4:10 पे और 1 मिनट ठहरने के बाद 4:11 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों यह तीनों रेलवे स्टेशन इस ट्रेन के टेक्निकल हाल्ट है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है कूले 4:35 पे और 5 मिनट ठहरने के बाद 4:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है कुड़चड़े 5:03 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 5:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने सेकंड लास्ट स्टॉपेज मडगांव जंक्शन 5:40 पे और 5 मिनट ठहरने के बाद 5:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 6:45 पे वास्को डी गामा और यहाँ तक 2168 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों ये थी 12780 गोवा एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।